अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। एक और वीडियो रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले आप लोगों को माही सियाम बहुत बहुत मुबारक हो, रमज़ान की बरकतें नसीब हों आप लोगों को, मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है बेसिकली टोयोटा एक्स 2003 मॉडल। 2003-04 में जो है ये मॉडल आया था, एक बेसिकली फैमिली कार है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर वीडियो के एंड में प्राइस मेंशन होती है और कंप्लीट डिटेल में रिव्यू जो है मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। तो एंजॉय करें इसको। बेसिक हेडलाइट्स इसके अंदर, मतलब कोई DRL वगैरह नहीं है, बेसिक 2003 मॉडल है। पीछे आप ये देख सकते हैं, क्रोम की ग्रिल देखने को मिलती है आपको दरमियान में, और वाइट कलर है इसका। टायर्स आप इसके देख सकते हैं, व्हील कैप्स इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा बॉडी कलर आपको डोर मिरर्स मिलते हैं, बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके अलावा बैक पर आते जाएं तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। दिस इज़ बेसिकली टोयोटा एक्स। ओवरऑल अगर मैं थोड़ा सा पीछे से ओवरव्यू देता चलूँ, गाड़ी कुछ इस तरह की लगती है। चलते हैं जी। अब इस गाड़ी के अंदर ये इसकी चाबी, अगर आप ये देख सकें, कैमरा कैन फोकस इट ऑन, ये इसकी चाबी है बेसिक। अगर आपको इस गाड़ी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये सजाद मोटर जीना मुल्क इस्लामाबाद आ सकते हैं, इनसे ले सकते हैं। तो टोयोटा कोरोला एक्स है, इसके अंदर चलते हैं, देख के व्हाट इज़ द डिफरेंस। ओके, सो राइट नाउ इन द कार, फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि मेरा हेडरेस्ट में लेग स्पेस भी काफ़ी डिसेंट है। स्टीयरिंग से स्टार्ट करते जाए तो फोर स्कोप इसका स्टीयरिंग व्हील है, एंड यू कैन सी दैट SRS एयरबैग एक स्टीयरिंग व्हील पर है, एक डैश पर आपको देखने को मिलता है। साइड पर बात करता जाऊँ तो 3-tone कलर है इसका, आप ये देख सकते हैं, डार्क ब्लीच है, ग्रे कलर आप कह सकते हैं। नीचे आपको फैब्रिक मिलता है, देन यू गॉट द प्लास्टिक, प्लास्टिक क्वालिटी इज़ रियली अमेजिंग, प्लास्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। यू गॉट द पावर विंडोज, यू गॉट द रिट्रैक्टेबल मिरर्स, ओवरऑल स्टीयरिंग भी लेदर का है एंड इट फील्स रियली सॉलिड। दरमियान में आते जाएँ तो दो आपको एयरबैंड दरमियान में मिलेंगे, एक राइट पर एक लेफ्ट पर, स्क्वायर एयरबैंड्स हैं। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ मैं आता हूँ, ये गॉट द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सिगरेट लाइटर मिल जाता है आपको, चार्जिंग डॉक भी आप इसको कह सकते हैं। स्टोरेज कंपार्टमेंट की बात की जाए, करता जाऊँ, नीचे एक है एक ऊपर है, देन यू गॉट द डैश। इसके अलावा राइट साइड पर भी जो है आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। साइड पर आते जाएँ, आर्म रेस्ट को अगर आप ऊपर करें तो नीचे स्टोरेज है। इस गाड़ी के अंदर आपको ई ब्रेक मिल जाती है। Let me put the foot. Okay, सोफ़ा पे आते जाएँ, सॉरी सीट्स पर आते जाएँ तो आपको ये सोफ़ा सीट्स मिलती हैं, फैब्रिक आप इसका देख सकते हैं। ज़रा क्लोजअप शॉट देता हूँ आपको मैं, ये देख सकते हैं आप, सोफ़ा सीट है। ओवरऑल दरवाजे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ड्राइवर साइड पे जो है आपको विंडो नहीं मिलती है, लेफ्ट साइड पे भी नहीं मिलती है। बेसिक यू गॉट LCD इन द मिडल, इस पर अभी हम बात करेंगे। बैक सीट पर मैं आ चुका हूँ, पीछे से डैश को इस तरह का लगता है और बैक सीट पर काफ़ी कंफर्टेबल बैठा हूँ। सोफ़ा सीट आप देख सकते हैं, मेरा हेड रेस्ट में है, लेग्स आप देख सकते हैं कि सीट जो है पूरी पीछे है, उसके बावजूद जो है आपको लेग स्पेस जो है डिसेंट देखने को मिल जाती है। पीछे यहाँ पर आप कुछ रख सकते हैं, एच टू जिसको आप कह सकते हैं, बेसिकली स्पीकर आपको इधर मिल जाते हैं। ये गॉट सीट बेल्ट, हेड रेस्ट मिल जाता है। अब इस गाड़ी के अंदर जो है 3 बंदे आराम से पीछे बैठ सकते हैं और ये लॉन्ग जर्नीज के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है। अगर आप फैमिली के लिए गाड़ी लेना चाह रहे हैं सो इसे मस्ट गो चॉइस, आपको डेफिनेटली इसके ऊपर दिखना चाहिए, सर्च करना चाहिए, एंड यू शुड डेफिनेटली लुक आफ्टर द कार। अब चलते हैं इसके इंजन साइड पर और इंजन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, राइट नाउ हमारे इंजन साइड और इंजन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इट इज़ इक्विप्ड विद 1500cc VVTi इंजन, आप देख सकते हैं, स्पेक्स आप स्क्रीन पर पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा ये गॉट द फिनिक्स बैटरी इंस्टॉल्ड इन इट। तो ओवरऑल आते हैं आप माइलेज की तरफ, तो जो मेरे ऑनर ने जो है क्लेम की है और जो मेरी रिसर्च के मुताबिक इसके माइलेज निकली है वो 14-15 किलोमीटर तक की आपको एवरेज दे देती है। तो 14-15 किलोमीटर तक की जो है आपको ये VVTi 1500cc इंजन जो है आपको एवरेज दे देगी। ट्रंक पर मैं आ चुका हूँ, अब कोरोला एक्स की हम ट्रंक स्पेस चेक करेंगे। और बाय द वे बताता चलूँ आपको, पीछे विंडशील्ड वाइपर देखने को नहीं मिलता इसमें। ओके जी, सो द ट्रंक हैज़ नाउ फाइनली बीन ओपन, और आप ये देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट स्पेस है। अगर आप फैमिली के लिए लेना चाहते हैं या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, इससे मस्त कोई चॉइस। नीचे आपको स्पेयर टायर, स्पेयर टूल्स देखने को मिल जाते हैं, स्पेयर टूल्स बेसिकली ऊपर पड़े हुए हैं। तो अगर पीछे से थोड़ा सा मैं लुक देता चलूँ तो काफ़ी अच्छी डिसेंट स्पेस है फॉर ट्रैवलिंग। ओके जी, सो फाइनली राइट नाउ बैक इन द कार और अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट द कार। ये गॉट द बेसिक की, इसके अंदर आपको यानी कि और कोई पुश स्टार्ट नहीं मिलता। Let's just put it right inside of it. Okay, so the car has now been started. First of all, it's a power steering,
एनालॉग स्पीड मीटर आपको देखने को मिल जाता है. देन यू गॉट दिस पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है, ये लाइट जो है इसके अंदर शिफ्ट होगी. देन यू गॉट ए फ्यूल और ये हीट टेम्परेचर वगैरह बता रहा है, हाउ मैनी माइल्स ही इज इट्स ड्रिवन, 170,000. देन यू गॉट द आरपीएम मीटर. ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आपको बेसिक जो है एलसीडी मिल जाती है. आई थिंक देयर इज नथिंग टू प्ले. अच्छा दिस इज एंड लाइक आप ये देख सकते हैं बेसिक इसके अंदर जो है रेडियो आपको देखने को मिल जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे से क्लाइमेट कंट्रोल से. तो फैन आप यहाँ से ऑन करेंगे, बेसिक इसके अंदर जो है फैन सिस्टम. तो जो डेप्थ है काफ़ी अच्छी है आप, यानी कि यहाँ पर ही आपको बता रहा है इस वक्त आप जो जिस मोड पर भी होंगे ये आपको बताता रहेगा. या स्पीड कम करना चाहते हैं यहाँ से हो जाएगी, स्पीड तेज करना चाहते हैं यहाँ से हो जाएगी. इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल आप यहाँ से करते हैं, हॉट कूल एसी आप यहाँ से ऑन करते हैं. ओवरऑल जो है थ्रू इसका काफ़ी अच्छा है. और पीछे आप देख सकते हैं चारों तरफ से जो है ये थ्रू फेंक रहे हैं. अगर आपको इसका मोड एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ से हो जाएगा. डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन भी जो है आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट डिफ्रॉस्ट, रियर डिफ्रॉस्ट. मोड आप यहाँ से चेंज करेंगे, आप ये देख सकते होंगे मोड के बटन को दबाया आप मुझे जो है नीचे से जो है ये टेम्परेचर जो है हवा जो है फेंकें. और हैजर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं. नाउ वी टर्न ऑफ. ठीक है जी, अब आते हैं इस गाड़ी के ऊपर. ये है 2003 टोयोटा क्रोला एक्स और 1500 सीसी के इंजन के साथ आती है. और आपने देखा कि इसके अंदर स्पेस काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक क्वालिटी इज़ रियली गुड, ओवरऑल सीटिंग कंडीशन, ट्रैवल के लिए गाड़ी अच्छी है, लॉन्ग जर्नीज के लिए आप इसको लेके जा सकते हैं. 1500 सीसी इंजन है, 14-15 किलोमीटर आपको ये लीटर में प्रोवाइड करती है. ये गाड़ी आपको मिल जाएगी सज्जाद मोटर्स G9 मरकज इस्लामाबाद से आपको मिल जाएगी. जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये इसकी प्राइस आपको देखने को मिल रही है. और एनालॉग स्पीड मीटर के साथ आती है ये इसका आरपीओ. अभी हम देखिएगा इसको मैं रैप करता हूँ थोड़ा सा. मेरा एडजस्टमेंट भी राइट लेफ्ट से हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं राइट लेफ्ट पे करके. अब इसका मैं आपको साउंड सुना देता हूँ. सो फॉर द वीडियो, इसकी कंप्लीट डिटेल पिक्चर मैं फेसबुक पर दूंगा, देखना मत भूलिएगा @AliMalik50. लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपको जल्द से जल्द मिल सकें. सो दैट वॉज ऑल फॉर टोयोटा क्रोला एक्स 2003 मॉडल.